a drop in the ocean. I'm here to take you on a ride. आज की लिस्ट कोरिया की तरफ से टर्न थ्री में हिंदी में डब्ड हुई कुछ बेहतरीन मूवी हर एक कोरियन डाई हार्ट फैंस के लिए मस्ट वॉच रहेंगी। हम जैसे डाई हार्ट कोरियन फैंस के लिए ना भाई इनकी कंटेंट के बारे में बताने की जरूरत नहीं, एक बार तो देखेंगे जरूर। और खुशी की बात हमेशा की तरह इसमें भी बोनस मूवीज होंगी जो हमेशा की तरह सिर्फ क्वालिटी ही होंगी, तो भाई इसके प्रीवियस पार्ट को भी मिस ना करिएगा। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नंबर 7 की मूवी, कभी कभी ऐसा होता है ना भाई, मूवी के नाम और पोस्टर देखकर एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाती है कि भाई नाम में इतना दम है तो मूवी कितनी खतरनाक होगी। इस मूवी के पोस्टर ने मेरे को भाई ऐसा ही फील कराया, पर जिसे हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया क्राइम ड्रामा थ्रिलर के साथ द डेविल्स डील स्टोरी भाई हमारे लीड कैरेक्टर पे फोकस्ड है, जो कि एक असेंबली मेंबर के कैंडिडेट होते हैं जो भूसान की तरफ से इलेक्शन में खड़ा होते हैं, पर कुछ लोग उन्हें जीतने नहीं देते। तब हमारे हीरो एक गैंगस्टर से डील करता है। अगर भाई आपको पॉलिटिक्स में जरा सा भी इंटरेस्ट हो तभी इस मूवी को देखना, वरना आप आराम से इसे इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि भाई मूवी पूरी एक्साइटमेंट पे पानी फेर गई। ना ही स्टोरी का कुछ आता पता, ना ही कैरेक्टर में डेप्थ, ना ही स्क्रीन प्ले कुछ खास, इस मूवी ने भाई बोर किया। अगर आप देखना चाहते हो तो एक ट्राई दे सकते हो, मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 की मूवी, अगर आपको राउडी गैंगस्टर टाइप वसूली इस तरह की मूवी देखना पसंद हो और ये सब हमारे हीरो की तरफ से हो तो भाई मूवी इंटरेस्टिंग होती है। 2019 की एक्शन क्राइम ड्रामा के साथ गैंगस्टर्स स्टोरी हमारे लीड हीरो की है, जो कि राउडी गैंगस्टर है। इनकी लाइफ में ट्विस्ट तो तब आती है जब एक कर्जदार के पास वसूली के लिए जाता है, वहाँ उसकी बेटी से मिलता है, उसके बाद उन्हें उनसे प्यार हो जाता है, तब ये सब छोड़ने का फैसला करता है। कहानी इंटरेस्टिंग तो तब हो जाती है जब उसका मालिक उस लड़की को मारने का ही ऑर्डर देता है। क्या हमारे हीरो ऐसा कर पाएंगे या फिर होगी एक्शन की तबाही? और सच में भाई एक्शन सीन बहुत तो नहीं है, पर जितना है मजा आएगा। आखिर इनकी लव स्टोरी किस मोड़ तक जाती है वो आप इस मूवी में देखो, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की मूवी, भाई आप गलत काम कर रहे हो सही काम के लिए, और जब ये सब पता चलेगा ना भाई तो एक अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेंगी। जी हाँ भाई, हम बात करें जिसे हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया तबाही वाला एक्शन थ्रिलर के साथ द चाइल्ड एज। स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जिसकी माँ बीमार है, उसके पास सर्जरी के लिए पैसे नहीं है, अपने पिताजी को ढूंढ रहा है, पर ट्विस्ट की बात तो ये है कि इसके पिता भी बीमार है। उन्हें जिंदा रखने के लिए उनकी हार्ट ट्रांसप्लांट करनी होगी। उनके आदमी उस लड़के को ढूंढ रहे हैं ताकि उसका दिल उसके बाप में लगा सके। भाई ऐसा कौन करता है अपने ही बेटे का दिल? आखिर वो लड़का इस गैंग से कैसे बचेगा और कौन बचाएगा? जिसके बीच की एक्शन सीन तो भाई पूछो मत, जॉन विक की लेवल की एक्शन सीन देखने को मिलेंगी। कम ही देखने को मिलेंगी पर उस लेवल की देखने को मिलेंगी। मूवी हिंदी डबिंग के साथ प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है, डेफिनेटली देखिएगा इस मूवी को। नंबर 5 की मूवी, आपके माँ को एक्सीडेंट में मार दिया जाए, आपकी बहन को किडनैप कर लिया जाए, तो क्या भाई आप चुपचाप देखते रहोगे? 2021 की एक्शन थ्रिलर के साथ बैटल भाई हम सभी जानते हैं कोरिया फैमिली रिवेंज खतरनाक लेता है। आपकी माँ का एक्सीडेंट कर बेरहमी तरीके से सड़क पर छोड़ दिया जाता है, उसके बाद भाई आपकी बहन को किडनैप कर लिया जाता है, फिर भाई आप इतनी आसानी से जाने दोगे क्या? नहीं भाई, आपको मूवी में यही देखना है कि ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। अगर उंगली करोगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। बात करें इसकी नेगेटिव पॉइंट की तो भाई ऐसी फैमिली रिवेंज ड्रामा में ना भाई हमें पूरी तरह से थ्रिल एक्सपीरियंस करा सकती थी, पर इसकी प्रेजेंटेशन एकदम लो ग्रेड की देखने को मिली। स्टोरी थोड़ी और भी इंगेजिंग और थ्रिलिंग वे में दिखला सकते थे, पर कोई नहीं, वन टाइम मस्ट वॉच रहेगा, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 4 की मूवी, कोरिया की गैंगस्टर टाइप मूवी काफी खतरनाक होती है भाई, एकदम सनकी लेवल पे मूवी आपको फर्स्ट हाफ में फील करा सकती है, जिसे हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया 2023 की क्राइम एक्शन के साथ बिलीवर 2। स्टोरी ऐसे ही एक गैंगस्टर की है जिसे कई शहर की पुलिस ढूंढ डाल, इनका इतना खौफ है कि भाई इनकी पहचान चुराने वाले को तड़पा तड़पा कर बेरहमी तरीके से मार डालता है, जिसे कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं जानता कि ये मास्टर ली है कौन जिनका इतना दहशत है। भाई इस हाइप में बिल्कुल मत जाना, अगर आप प्रो ऑडियंस हो तो इसकी एंडिंग पूरी तरह से डिसअपॉइंट करेगी। आप लिटरली फर्स्ट हाफ में विलन का इतना हाइप बना रहे हो और एंडिंग ऐसा थोड़ा कुछ भी दिखा कर निकल गए, कोई इसको मार रहा है तो कोई उसको, कोई आपस में ही एक दूसरे को, लेकिन भाई इसमें एक खतर
खतरनाक कैरेक्टर भी है जो चाइना से आई है। गजब की सेंस की है भाई, ये कैरेक्टर आपको जरूर पसंद आएंगी। बस भाई इस कैरेक्टर की सही टाइमिंग नहीं हो पाई, पर जितनी है भाई खतरनाक है, एकदम तबाही मचा देती है। अगर आप एंडिंग को इग्नोर करते हो तो मूवी आपके लिए मस्ट वॉच रहेगी। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की मूवी की कॉन्सेप्ट भाई बियॉन्ड इमेजिनेशन, एकदम खतरनाक वाला। क्या हमारी इस पृथ्वी को शिफ्ट किया जा सकता है अपने एक्सिस से ताकि हमारे इस अर्थ को बचाया जा सके? क्या पूरी मानव जाति की जीवन को बचाया जा सकता है? इस चाइनीज मूवी में दिखाने की कोशिश की है। 2022 की साइफाई एक्शन के साथ द वंडरिंग अर्थ 2। क्या एक ऐसा इंजन बनाया जा सकता है जो हमारी इस पृथ्वी को ब्रह्मांड के कोई और कोने में ले जा सके? क्या भाई ऐसा करना संभव है? मूवी की सबसे बेस्ट पार्ट लगी भाई नो डाउट इसके साइफाई दुनिया, वो सिनेमेटोग्राफी एकदम टॉप लेवल की देखने को मिलेगी। मूवी हाई बजट की है, वो आपको फील कराएगी, एक ट्राई जरूर दीजिएगा। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 की मूवी, अगर आप कोरिया की तरफ से कुछ यूनिक कैरेक्टर थोड़ी डिफरेंट वे में मूवी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस मूवी को एक ट्राई दे सकते हैं, जिसे हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया। 2023 की एक्शन क्राइम के साथ स्मगलर्स, स्टोरी भाई ऐसे ही कुछ फीमेल मछुआरन पे बेस्ड है जो छोटी मोटी मछलियों को पकड़ कर अपना गुजारा कर रही होती है। एक दिन उन्हें पता चलता है कि समुद्र में कुछ बॉक्सेस को निकाल कर एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए अच्छी कमाई हो जाती है, पर इस बात से अनजान कि आखिर उस बॉक्सेस में होता क्या है। क्या उन्हें पुलिस पकड़ जाएगी? क्या ये स्मगलिंग तो नहीं कर रहे? वो भाई आप इस मूवी में देखो कैसे इनकी स्ट्रगल, जेल जाने के बाद क्या ये लोग फिर से वही काम करेंगे या फिर बात होगी कुछ और, जिसकी डायरेक्शन और कैरेक्टर आपको जरूर पसंद आएंगी। मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 2 की मूवी, अगर आपको चोर लुटेरों डाकुओं पे बेस्ड मूवी देखना पसंद है, ऊपर से खजानों की खोज वाली एडवेंचर हो तो पूछो मत, देखने में मजा आता है, ये कोरियन मूवी आपको एक्सपीरियंस करा सकती है, जिसे हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया। वेस्टर्न एक्शन एडवेंचर के साथ द गुड द बैड द वियर्ड। तब कोरिया आजाद नहीं हुआ था, जहाँ कुछ लुटेरों पे बेस्ड है एक ऐसी नक्शे की तलाश जिस पर खजाने तक का पहुँचने का रास्ता छिपा है। इसी नक्शे को पाने के लिए इसके पीछे पड़े हैं कई लोग। आखिर उस खजाने तक कौन पहुँच पाएगा? क्या सच में कोई खजाना है या फिर बात है कुछ और? वो तो भाई आप इस मूवी में देखो। इसी बीच में भाई आपको कमाल की फाइट सीन देखने को मिलेंगी, खासकर वो गन फाइट सीन एकदम टॉप लेवल की। और दूसरी बात, वेस्टर्न कल्चर वो 1940s की सेट डिजाइन कमाल की है। मूवी को डेफिनेटली देखिएगा हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की ये मूवी भाई जानवरों के प्रति वो इमोशंस को फील कराएगी, जिसे हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया। 2022 की फैमिली कॉमेडी ड्रामा के साथ माई हार्ट पापी। क्या हमारे हीरो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपने डॉग को छोड़ पाएंगे, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, एक अपना फैमिली मेंबर मानते हैं, क्या उसे छोड़ पाएंगे? एंडिंग में एक फैमिली का सही परिभाषा दे जाएगी। अगर आप डॉग लवर हो तो इंडियन मूवी 777 चार्ली जरूर देखना। नंबर 1 की मूवी, यार किसी ने सही कहा यार, अगर बचपन का प्यार सच्चा होना तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये कोरियन मूवी ऐसे ही कुछ हमारे सामने रखती है, जिसे हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ रिलीज किया गया। 2023 की रोमांस ड्रामा के साथ पास्ट लाइफ। भाई ऐसी डीप लेवल की मूवी हर किसी के लिए नहीं, अगर आप इनकी इमोशन से खुद को रिलेट कर पाए तो यकीन मानिए इसके जैसा कोई और नहीं, आप 100% एग्री करेंगे। स्टोरी दो दोस्त की है, नहीं भाई जिगरी दोस्त की है, जो बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं, किसी वजह से इन्हें बिछड़ना पड़ता है। उसके बाद स्टोरी 12 साल के बाद दिखलाती है, आखिर इंटरनेट पे ढूंढ ही लेता है जिसे 12 सालों से ढूंढ रहा होता है। वीडियो कॉल पे बातें होती है, कुछ दिन बाद फिर से बिछड़ना होता है, फिर से 12 साल गुजर जाती है, पर वो इस बार वो लड़की मूव ऑन कर चुकी होती है, पर हमारा हीरो ऐसा नहीं कर पाता। भाई गर्ल आसानी से मूव ऑन हो जाती है, पर बॉयज ऐसा नहीं कर पाते, यही सब मूवी आपको दिखलाने की कोशिश करती है। ऐसी मूवी में भाई मिर्च मसाला नहीं डाला जाता, जिसके वजह से आपको मूवी सिंपल सी लग सकती है, पर एकदम टू द पॉइंट रखिए, आपकी इमोशंस को हिट करेगी। एक बार जरूर एक्सपीरियंस करिएगा इस मूवी को, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। और आइए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ।